नमस्कार मोरी फ्रॉन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास यानी कि ऐतिहासिक काल का आरंभ, टॉप 9 क्वेश्चंस के बारे में जो 67वीं BPSC एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अनुमान था ऑप्शन नंबर ए है ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी है महाजनपद काल में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ऑप्शन नंबर ए है व्यापार का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी है लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन नंबर डी है कृषि का विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वी, यानी कि लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है मगध तथा विदेह, ऑप्शन नंबर बी है अंग व लिच्छवी, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है तैतरीय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी है गोपथ ब्राह्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए होगा, यानी कि शतपथ ब्राह्मण, यानी कि विदेह को प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यव्रत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। ऑप्शन नंबर ए है तिरहुत, ऑप्शन नंबर बी है विदेह, ऑप्शन नंबर सी है मगध, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी होगा, यानी कि मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए है अंग, ऑप्शन नंबर बी है लिच्छवी, ऑप्शन नंबर सी है विदेह, ऑप्शन नंबर डी है मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी होगा, यानी कि विदेह होगा, यानी कि विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज व्याकरण साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विदेह, ऑप्शन नंबर बी है मगध, ऑप्शन नंबर सी है क्रू, ऑप्शन नंबर डी है अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वी होगा, यानी कि मगध। यानी कि अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। ऑप्शन नंबर ए है मगध, ऑप्शन नंबर बी है अंग, ऑप्शन नंबर सी है बजी, ऑप्शन नंबर डी है विदेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर सी है वायु पुराण, ऑप्शन नंबर डी है शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।